नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में झूठ बोलने की बहुत निंदा की गई है। महाभारत के शांति पर्व में झूठ बोलने वालों के बारे में कहा गया है, नायम लोकोस्ति ना परो न च पूर्वान् स तारयेत् कुत एष जनिष्यांस्तु निशावाद परायणः। मतलब, जो झूठ बोलता है उसको ना इस लोक में सुख शांति मिलती है ना परलोक में। यही नहीं, उसके झूठ में ना तो उसके पूर्वजों का भला होता है ना ही उसके संतानों का। अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी सुशिक्षित और सभ्य हैं, उसी पार्टी की सदस्य हैं जो खुद को सनातन संस्कृति का वारिस बताता है। इतना कुछ होने के बावजूद निर्मला जी लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में झूठ बोलने से बाज नहीं आई। उनके झूठ को समझने के लिए पहले आप उनके बयान पर गौर फरमाइए। संसद के अपने भाषण और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारतीय रक्षा क्षेत्र में 10 सालों तक कुछ भी नहीं खरीदा गया, 10 साल निकल गए और 10 साल बाद 2014 के बाद हमें बेहद तेजी के साथ पिन से लेकर एयरक्राफ्ट तक सब कुछ खरीदना पड़ा। मैं इन चीजों को एक बार फिर दोहरा दूं, जिसकी वजह से हमारा रक्षा क्षेत्र हथियार विहीन हो गया। रक्षा क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं खरीदा गया। निर्मला जी के बयान पर गौर फरमाइएगा, रक्षा क्षेत्र में एयरक्राफ्ट से लेकर पिन तक नहीं खरीदा गया। पिन समझ रहे हैं आप, 1-2 रुपए की चीज होगी पिन, और बकौल निर्मला जी के वो पिन तक मनमोहन सिंह जी ने नहीं खरीदी। दुनिया की प्रतिष्ठित और प्रामाणिक न्यूज एजेंसी बीबीसी तक जब निर्मला जी के इस दावे की खबर पहुंची तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय के डेटा के आधार पर इस दावे की पड़ताल की। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों में उन्होंने पाया, अक्टूबर 2005 में स्वदेशी 6 फ्रेंच स्कॉर्पियो क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। खास बात यह है कि खुद रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि इन 6 में से 5वीं पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण भी शुरू हो गया और जल्दी ही उसे भारतीय नौसेना में बेड़ा में शामिल कर लिया जाएगा। साल 2006 में 20 हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने को लेकर रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 2,701.7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। साल 2007 में ही वायुसेना के लिए 40 सुखोई 30 जेट प्राप्त किए गए हैं और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सौदा हुआ था। साल 2008 में 6 C-130J हरक्यूलियस विमानों की खरीद के लिए 3,835.38 करोड़ रुपए में अमेरिकी सरकार के साथ सौदा हुआ था। साल 2009 में बोइंग इंडस्ट्रीज के साथ भारतीय नौसेना ने 8 P-81 समुद्री गश्ती विमानों की खरीद के लिए 2.137 बिलियन डॉलर में समझौता किया था। इन बड़े सौदों के अलावा रक्षा क्षेत्र में कई छोटे सौदे भी हुए, जिनका पूरा विवरण रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में दर्ज है। खुद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फरवरी 2014 में संसद को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए खर्च की गई राशि की जानकारी दी थी। उसी समय यूपीए सरकार ने साफ साफ बताया था कि साल 2010-11 में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में 62,056 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं साल 2012-13 में यह खर्च बढ़कर 70,499 करोड़ पर जा पहुंचा था। मनमोहन सिंह सरकार का यह बयान संसद के दस्तावेजों में भी दर्ज है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसी पवित्र संसद में सीतारामन जी ने सफेद झूठ बोल दिया कि मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार के दौरान सुरक्षा बलों के लिए एक पिन तक नहीं खरीदा गया। निर्मला जी, ऊपर मैंने एक संस्कृत श्लोक सुनाकर आपको झूठ से आगाह किया था। जाते वक्त एक शेर से आपको झूठ से बचने की नसीहत देना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे बहुत अंधेरा होगा। निर्मला जी, 2 पंक्तियों में सिमटे इस अल्फाज को बड़े कैनवास पर ले जाकर देखिएगा, तब इसका असली मतलब समझ आएगा। देखते रहिए आईएनसी टीवी। नमस्कार।